गुजरात के वडोदरा में कोरोना संक्रमित जिस व्यक्ति के स्पर्म बुधवार को एक निजी अस्पताल ने एकत्रित किए थे उसकी गुरुवार शाम को मौत हो गई। शुक्रवार सुबह मरीज की मौत की जानकारी उसकी पत्नी के वकील ने दी। मृतक की पत्नी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसके पति के स्पर्म एकत्रित किए जाएं जिससे वह मां बन सके। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को हुए हादसों में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ के तलेगांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा, इसके नीचे 35 घर दब गए। पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। जब वह भाषण देने के लिए खड़े हुए तो भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया, अपने दाईं ओर बैठे कैप्टन और हरीश रावत को इग्नोर करते हुए आगे बढ़े और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौल, पट्टल और लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भाषण देने खड़े हुए। सिद्धू ने कहा, मेरा दिल चिड़े के दिल जैसा नहीं है, जो मेरा विरोध करेंगे वो मुझे और मजबूत बनाएंगे। मेरी चमड़ी मोटी है, मुझे किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जाँच की जानी चाहिए। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। पेगासस जासूसी और कृषि मामलों को लेकर सदन में हंगामे के चलते लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर तक के लिए स्थगित हुई है। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मुंबई पुलिस की एक टीम उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के लिए उनके जुहू स्थित बंगले पर पहुंची है। फिलहाल एक्ट्रेस से पूछताछ जारी है। इससे पहले अश्लील फिल्मों के निर्माण के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के कानाचक में पुलिस ने शुक्रवार तड़के एक ड्रोन को मार गिराया है। इससे 5 किलोग्राम IED बरामद हुई है। यह ड्रोन भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। इस तरह ड्रोन के जरिए हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। भारत ने ओडिशा परीक्षण रेंज से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश के नए संस्करण का शुक्रवार को सफल परीक्षण किया है। पिछले दो दिनों में ये दूसरी बार है जब 30 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का DRDO द्वारा परीक्षण किया गया है। और हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को अच्छे खासे उतार चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 138 पॉइंट चढ़कर 52,975 पर रहा। NSE का 50 शेयरों वाला निफ्टी 32 पॉइंट की मजबूती के साथ 15,856 पर बंद हुआ।